Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the creation of an empire, the Mughal dynasty, from our past part 2, grade 7, CBSE. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. India hi jitni badi ek aisi territory जिसमें कई अलग कल्चर्स को, कई अलग चीजों को, तरीकों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, ऐसे में मिडिल एजेस में किसी भी रूलर को उस पर रूल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रीसीडेसर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर. जैसे कि और पहले राजा नहीं कर पाए, मुगल्स ने एम्पायर खड़ी करी एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथरटो सीन पॉसिबल ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. और वो करके दिखाया जो कि पहले लगता था कि खाली कम समय के लिए ही हो सकता है. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. अब जब 16th सेंचुरी के खत्म होने तक, यानी आधे सेंचुरी के खत्म होने के बाद तक, मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे और एक्सपैंड होने लग गई और बढ़ने लग गई, और आगरा और दिल्ली तक उन्होंने उस एरिया को कवर कर लिया. Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. पर 17th century तक आते-आते उन्होंने एक तरह से कहा जाए पूरे इस द्वीप पर जो है पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया था. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर खड़ी किए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज करने के, साथ ही साथ उनके जो रूल करने के आइडियाज थे वो कुछ इस तरह से थे कि उनका जो रूल था यानी जो उनका शासन था वो काफी लंबा चला. लीविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडेड रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. और फिर उनकी जो राजनीति थी या जो उनकी जो तरीके थे राजनीतिक, उन्होंने वो इस तरीके से करे कि जो आगे उनके बाद आने वाले रूलर्स थे वो भी उसको इग्नोर नहीं कर पाए. Today the Prime Minister of India addresses the nation from the ramparts of the Red Fort in India, Delhi. आज की डेट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी जो हैं, जब नेशन को एड्रेस करते हैं तो वो लाल किले पर जो दिल्ली में है वहीं से ही करते हैं. The residence of the Mughal emperors on Independence Day. और ये क्या है, ये मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, यानी यहाँ सारे मुगल एम्परर्स रहते थे और इंडिपेंडेंस आजादी के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहीं पर इसी लाल किले पर दिल्ली से अपने नेशन को एड्रेस करते हैं. Who were the Mughals? The Mughals were descendants of the two great lineages of rulers. मुगल्स कौन थे? मुगल्स जो हैं उन्हीं जो पहले दो फैमिलीज, बड़ी बड़ी जो ग्रेट फैमिलीज थी वो राजाओं की, उन्हीं के आगे के वंशज थे. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड एशिया. अगर मुगल्स में मदर्स की साइड से देखा जाए या उनके माँ की तरफ से देखा जाए तो वो पुरखे थे, या उनके जो पुरखे थे वो चंगेज खान के बिलोंग करते थे. और चंगेज खान कौन थे? वो रूलर थे मंगोल ट्राइब्स के, चाइना के और सेंट्रल एशिया के. फ्रॉम देयर फादर साइड They were the successors of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. और अगर फादर की साइड से देखा जाए तो उनके जो पहले जो राजा थे वो तैमूर थे, और ये उसके बाद के ही उत्तराधिकारी थे. और तैमूर कौन थे? ये ईरान, इराक और जो आज के डेट में हम टर्की कहते हैं उसके रूलर थे. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. अभी जो मुगल्स थे इनको कभी भी अपने आप को मुगल या मंगोल कहनाना पसंद नहीं था. दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मसाकरे ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. और ये इस वजह से था कि चंगेज खान जो थे उनका जो नाम लिया जाता था या जब उनको याद किया जाता था तो हमेशा यही बात करी जाती थी कि उन्होंने पता नहीं कितने हजारों लोगों की या मौत के घाट उतार दिया है. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. और उनका जो link था या उनका जो relation था वो Uzbek से भी था, जो कि Mongols के हमेशा competitor रहे, यानी हमेशा Mongol और उनके बीच में एक competition चलता था. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry.
अब दूसरी तरफ मुगल्स जो हैं, उनको गर्व था अपने फादर की साइड यानी जो तैमुरीद एंसेस्ट्री थी, उनके जो पहले का जो फैमिली थी तैमूर जो लंग थे उनके जो टाइम से जो फैमिली चली आ रही थी उस पर उनको बहुत ज़्यादा उनके शासन पे प्राउड था. नॉट लीस्ट ऑल ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. सबके लिए नहीं था पर एटलीस्ट उनके एक एंसेस्टर ऐसे थे यानी एक पुरखे ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था 1398 में. दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ. वो जो है अपनी जो पीढ़ी थी उसको कैसे सेलिब्रेट करते थे, पिक्चर बनवा के. और वो पिक्चर कैसे होती थी कि हर रूलर को जो है एक पिक्चर मिलती थी जिसमें एक तैमूर उनके राज जो पुराने राजा थे वो होते थे और एक में वो खुद होते थे. Take a look at the figure 1, which is somewhat like a group photograph. और अब एक जो आप figure number 1 है यानी ये जो बगल में आपकी फोटो दी गई है इसमें आप देखो तो ये एक ऐसी फोटो है जिसमें की ग्रुप फोटोग्राफ बनाई गई है. मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड. बाबर जो कि सबसे पहले मुगल एम्परर कहे जाते हैं उनको जो है राज सिंहासन मिला फरगना का 1494 में और तब उनकी उम्र जो है सिर्फ 12 साल थी. ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स. पर उनको जबरदस्ती जो उनका थ्रोन था यानी जो उनका सिंहासन था उसे छोड़ना पड़ा. क्यों? तब क्या कहते हैं उज़्बेक जो दूसरा मंगोल ग्रुप था उसने उन पर कब्जा कर लिया था. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. पर बहुत सालों फिर घूमते रहे उसके बाद जाके उन्होंने कहीं 1504 में काबुल पर कब्जा किया. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. पर 1526 में उन्होंने जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी उनको पानीपत की लड़ाई में हरा दिया और फिर दोबारा जो है दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया. टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर मुगल कैंपेन्स. अब ये जो टेबल 1 दी हुई है इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो मुगल्स ने लड़ाई करी उसके बारे में बताया गया है. स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स. ध्यान से पढ़ो और फिर देखो इसमें कि क्या आपको कुछ ऐसे दिखे हैं जो चीजें बहुत लंबे समय तक थी. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to the Mughal authority. आप जब देखोगे इस टेबल को तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे अफगान थे वो हमेशा मुगल अथॉरिटी के लिए एक खतरा बने रहे या हमेशा वहां से उनको एक धमकी मिलती रहती थी. नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स द सिक्स एंड मेवार्स एंड मारवार्स. अब देखो कि रिलेशनशिप कैसी थी मुगल्स की और अहोम्स की, सिख की, मेवाड़ की, मारवाड़ की, इन सब की कैसी रिलेशनशिप रही आपस में. हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स. अब हुमायूं के कैसे रिलेशनशिप थे सफाविद ईरान से, जैसे कि क्या वो अकबर से अलग थे. डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रेन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन. और क्या जो गोलकोंडा और बीजापुर जो कि औरंगजेब के जमाने में जीत लिए गए थे उनको टेक ओवर कर लिया गया था क्या उससे डेक्कन के साथ रिलेशंस खराब हो गए या कैसे रिलेशंस रहे. टेबल 1 मुगल एम्परर्स मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स. अब सबसे पहले आए बाबर. बाबर कब से कब तक रहे 1526 से 1530 तक. 1526 में क्या किया उन्होंने Defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और साथ ही साथ उनके जितने अफगानी सपोर्टर्स थे उनको भी हरा दिया पानीपत की लड़ाई में. 1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड एलिजेड खनुआ. अब 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, उनके अफगान सपोर्टर्स को हराया. 1527 में राणा सांगा को हराया, राजपूत रूलर थे जो कि, और साथ ही साथ और भी जो उनके अलाइज थे खनवा में उनको भी हराया. 1528 में उन्होंने जो चंदेरी में राजपूत थे उनको हरा दिया.
established a control over Agra and Delhi before his death. और मरने से पहले उन्होंने एक तरह से आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद जो दूसरे राजा आए वो आए हुमायूं। अब हुमायूं कब से कब तक रहे? 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। अब जो हुमायूं थे, जैसे उनके पिता की इच्छा थी, उन्होंने अपनी जो भी जायदाद थी या जो भी राज्य था उसको डिवाइड कर दिया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, और हर एक ब्रदर को उनके जो है एक एक राज्य मिल गया। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं'स कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स, पर जो उनके भाई थे मिर्जा कामरान, उनके एम्बिशंस की वजह से हुमायूं जो हैं, जो अपने अफगान कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट खड़े थे, वो एक तरह से हल्का पड़ने लग गया। उसका जो रीजन था कि वो अफगान कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ उनके मिर्जा कामरान भाई की वजह से हल्का पड़ने लग गया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा एंड कन्नौज, फोर्सिंग हिम फ्ली टू ईरान। अब जो शेर खान थे, उन्होंने फिर हुमायूं को हरा दिया चौसा और कन्नौज में, और फिर उनको जो है भागने पे मजबूर कर दिया कि वो जाके ईरान चल भाग गए। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफावीद शाह। अब ईरान में हुमायूं को किसकी मदद मिली? सफावीद शाह की। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड इन एन एक्सीडेंट इन द फॉलोइंग ईयर। पर उसमें जो है उन्होंने दोबारा सफावीद शाह की हेल्प से दिल्ली पे दोबारा कब्जा किया 1555 में, लेकिन पर आगे आने वाले साल में जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई।